आज हम आपको मिलवाते हैं ऐसे प्राकृतिक खेती करने वाले किसान से जिनको पीएम नरेंद्र मोदी जी ने 51,000 रुपये देकर सम्मानित किया है। कि जैसे हम खेती पर नज़र रखते हैं कि खेती में हमें कैसे लाभ हो, वैसे हमें सरकार की योजनाओं पर भी नज़र रखनी है। नमस्कार मित्रों, मैं हूं सचिन और आज की जो बजट है शानदार बेहद खूबसूरत होने वाली है। ये 19 नंबर गन्ना है, आप देख रहे हैं एक आँख का लगाता आप इसमें लगभग 20-22 कर ले हैं इस समय। ये तीसरे साल का गन्ना है, ये हमने अक्टूबर के लास्ट में लगाया था, 20 अक्टूबर को लगभग। बड़ में एटा फर्स्ट नंबर पर है, बड़ में सबसे ज़्यादा पैदा हो रही है चकोरी तो एटा। दोस्तों ये कमाल की खेती है, इसका कॉफ़ी पाउडर बनता है जो आप प्रयोग करते हैं शादी के बाद कॉफ़ी पीते हैं, उस पर जो मसाला पड़ता है वो इसी से तैयार होता है। 6 साल से प्राकृतिक खेती कर रहा हूँ और इसमें मैंने पहले गन्ना लगाया था, गन्ना यही सचिन जो सामने खड़े हैं इन्हीं के यहाँ से मैं 19 नंबर गन्ना लगाया था। और ये खुपरी नीलकंठ जो मेरे हाथ में आलू लगा है आप देख रहे हैं, ये आलू ऑटोमेटिक पहले से ही अपने में शुगर फ्री है। आंखें बंद करके और इसकी रस को जो लीलने वाला निगलने वाला जो पल है, जन्नत है भाई जन्नत। ये प्राकृतिक सुभाष पालेकर कृषि का, बगैर किसी रसायन का, बगैर किसी केमिकल के, मीठा है बहुत बेहद मीठा है, बिल्कुल प्राकृतिक नेचुरल शुगर केन। ये साहिवाल है और साहिवाल से अब हमने ये काम किया थार पार कर। सभी को मेरा नमस्कार, मैं सचिन और आज विजिट के लिए आया हूँ श्री ध्रुवीन जी के यहाँ, जो प्राकृतिक खेती के बहुत माहिर और प्रगतिशील किसान हैं। पिछले कुछ वर्षों में उन्होंने जो यहाँ चमत्कार किए हैं वो काबिल तारीफ़ हैं, इसीलिए कुछ ऐसे चुनिंदा किसानों में से एक हैं जो आज सबको प्रेरणा दे रहे हैं। बाकी के साथी किसान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो आप ये फसल देख रहे हैं ये गेहूँ के साथ धनिया, शानदार कॉम्बिनेशन देखिए आप, क्या बेहतरीन उत्पादन है धनिया का, देखिए एकदम। ये जो भी धनिया है ये फ्लावरिंग स्टेज पे है, ये अब इनसे हमको बीज मिलेगा, दाना मिलेगा, मसाले के लिए हमें धनिया खरीदना नहीं पड़ेगा और ये बीज भी अगले साल हमारे लिए तैयार हो जाएगा। बाकी की क्या क्या योजनाएँ इन्होंने अब तक पारित कराई हैं और किस दिशा की ओर बढ़ रहे हैं वो मैं आदरणीय श्री दुर्बीन जी से ही जानना चाहूँगा, अपनी फसलों के बारे में विस्तार पूर्वक बताएं। सबसे निवेदन यही है कि आप सब इस वीडियो के साथ बने रहें, आपका आपके सहयोग से मैं भी चल पाता हूँ, मुझे लगता है कि कुछ वीडियोस मेरे देखे जाते हैं, इसकी वजह से कृषि में कुछ क्रांति हो रही है और मैं इसीलिए मैं इससे पूरी तरह जुड़ा हुआ हूँ और आनंदित हूँ। धन्यवाद आपको सचिन भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, आप साथी से चलकर हमारे गांव सराजवारपुर में आए और आप ये देख रहे हैं मेरा वो आधारित सुभाष पालेकर प्राकृतिक खेती से तैयार ये धनिया और बंसी गेहूँ। ये हमने 7 नवंबर को लगाया था, ये गेहूँ आज इस स्थिति पर है और इसमें हमने धनिया भी ये लगा दिया, इसमें सह फसली में धनिया लगा दिया और आप देख रहे हैं, देखो आप इसका ये कलर और क्या शानदार इसका कलर आया है और लंबाई बिना खाद की, केवल हमने इसमें 4 बार जीवामृत बहाया है, 1 बार हमने स्प्रे कर दिया है जीवामृत, उसके बाद ये शानदार चल रहा है। अब इस पर एक स्प्रे मट्ठा का होने वाला है, मट्ठा और जीवामृत का, तो कि हम खाद के चक्कर में पड़े। जो लोग लगा रहे हैं यूरिया आज 270-275 की मिल रही है, इस पर 2100 रुपया से 2300 रुपया सब्सिडी है, अगर सरकार ये सब्सिडी ख़त्म कर दे तो कितने लोग यूरिया लगाएंगे, एक बोरी लाने को तबाह हो जाएगा किसान। बंसी गेहूँ कब से आप कर रहे हैं, बंसी गेहूँ कब से उगा रहे हैं? बंसी गेहूँ ये मैं 5वीं साल है, वो भी लाया था सचिन के यहाँ से, आज मेरे यहाँ मैं भी ये बीज बिक्री करने लगा हूँ यहाँ पे और अपना बीज ही बना रहा हूँ। और इसमें जो आप देख रहे हैं ये कैमरा
आपको दिखा रहा कि इसमें एक भी आपको खबड़ा बीज नहीं मिलेगा, ऊपर नीचे नहीं, सारी वैरायटी एक ही है। अगर इसमें कोई भी होता भी है तो इसे कट करके निकाल देता हूँ। इस समय मैंने इस वर्ष मेरे पड़ोस के जो किसान थे उनको तो मैंने 80 रुपये किलो दिया बीज में, और जो दूर के लोग थे वो मेरा गेहूँ वापस नहीं आ पाएगा। मैंने 100 रुपया किलो बाहर को दिया है, बाहर वालों को, और यहाँ के लोगों को 80 रुपया किलो, और 3800 रुपया कुंतल मैंने खरीद की बात करी है कि मैं 3800 रुपया कुंतल आपका गेहूँ वापस लूँगा। इसका मैं दलिया बनाऊँगा, इसका मैं आटा बनाऊँगा। आप देख रहे हैं ये एक एकड़ का खेत है, इसमें मात्र 2.5 किलो बीघा, 12.5 किलो गेहूँ ये हमने अक्टूबर के लास्ट में लगाया था, 20 अक्टूबर को लगभग। तो ये मैंने गन्ना के साइड पे, ये आपको धनिया दिख रहा है, ये साइड पे मैंने धनिया भी लगा दिया। और धनिया के बाद फिर ये धनिया ये छोटा इसलिए है कि इसमें मैंने पहले और दूसरी फसल लगाई थी, वो बीज ख़राब निकला, इसलिए धनिया अभी गड़ा है, इसलिए छोटा है। परंतु ये आप चना देख रहे हैं, ये भी केमिकल मुक्त ग्वादर खेती का चना, और इसके सह फसल आप ये देख रहे हैं 3x8 पर ये गन्ना लगा हुआ है। और इसकी खासियत ये है कि जब तक हमारा गन्ना बड़ा होगा तब तक हम इसमें दो फसलें ले चुके होंगे। अभी मैंने चना लगाया है और चने के बाद फिर हम इसमें लगाएंगे मूंग। जब मार्च अप्रैल में ये चना कट जाएगा मार्च में, उसके बाद मूंग लगाएंगे। तो हमें दो सह फसली मिल गई, और उसके बाद तब तक हमारे गन्ने के ये एक आँख का गन्ना है इसके 12 से 15 कल्ले आ जाएंगे, और किसी किसी में तो ये 15 से 20-25 तक, अगली साल 35 तक हो जाते हैं। इसमें एक एकड़ में 90 से 100 गन्ना लगते हैं, मतलब एक बीघा में लोग 5 कुंतल तक गन्ना लगा देते हैं, और मेरा ये 15 गन्ना लगे हैं मात्र इसमें एक बीघा में। सह फसली आपने देखा यहाँ क्या शानदार चना लगा हुआ है, और आधे पार्ट में चना है सह फसली, चना और धनिया गन्ने के साथ, और दूसरा जो भाग है ये देखिए, ये दूसरा जो भाग है इसमें आप देख रहे हैं मसूर लगी हुई है, मसूर है गन्ने के साथ। पौधे से पौधा 3 फीट, लाइन से लाइन 8 फीट गन्ने की दूरी, सह फसली है चना और मसूर की फसल, प्राकृतिक सुभाष पालेकर कृषि द्वारा उत्पादित। जब चना गड़ा था तो गंजीवा अमृत इसमें बखेर के वो मैंने रोटावेटर से जोत दिया, उसके बाद चना की मैंने कूट से बुवाई कर दी। ये देसी चना है, कोई वैरायटी चना नहीं है, देसी मसूर है, और ये देसी ही गन्ना है, 19 नंबर गन्ना, जो खाने में बहुत स्वादिष्ट और नरम और रस भरपूर होता है इसमें। और ख़ास बात इसमें यह है कि इसका रस पूरे दिन रख के रहो, सुबह से शाम तक काला नहीं होता, बिल्कुल हरा कलर होता है। तो ये रस के लिए किसान भाई इसे चुने, और ज़बरदस्त रस और ज़बरदस्त मोटाई और लंबाई करीब 12-13 फीट हो जाती है, ये 4-4 किलो का गन्ना हो जाता है। पिछली 2 साल से मेरे यहाँ तुला है 4 किलो, 4 किलो, 4.25 किलो, तो ये ज़बरदस्त पैदावार देता है। गन्ने की फसल में आगे आप कैसे लाभ लेना चाहेंगे, जैसे आपने हमें बताया कि हम चटनी गुड़ राब। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम अपने गन्ने का, अब मैंने गन्ना 1 बीघा और है मेरे पास, तो अब मैं प्राई बंद कर दी है, अब मैं उसकी गन्ने की चटनी बना रहा हूँ, गन्ना इमली चटनी मसाले डाल के, और उसको चटनी को 1000 रुपये किलो बिक रहा है हमारा वो गन्ना मसाला चटनी। और ये गन्ने की हम इस बार कुल्फ़ी बनाएंगे, कुल्फ़ी हमारी 50-70 ग्राम की होती है और 20 रुपये की बिक्री होगी, तो लगभग 200 रुपया लीटर हमारा गन्ने का रस बिकने वाला है। ये अभी मैं मार्च में आपको करके दिखा दूंगा। मैंने विपिन सरीन जी जो अम्बाला के हैं उनसे ही ऑनलाइन ट्रेनिंग ले रहा हूं। हमारे ग्रुप में लगभग पूरे भारतवर्ष के 50-60 किसान जुड़े हैं, लगभग रोज़ाना मीटिंग में 50-55 किसान रहते हैं। वो यही बता रहे हैं कि हम किसानों की आमदनी कैसे हो, हम प्राकृतिक गन्ना उगाएँ और उसका हम चटनी बनाएँ, उसका हम वैल्यू एडिशन करके सिरका बनाएं, हम उसका कुल्फी बनाएं, उसकी आइसक्रीम बनाएं, और गन्ना जी महाराज हमें कहीं से कहीं पहुंचा देंगे, ऐसा
उनका मानना है और मेरा भी मानना है। मैंने ये देख रहा हूँ कि वास्तव में गन्ना हमें बहुत, हम किसानों को, प्राकृतिक किसानों को बहुत ऊंचाई पर ले जाएगा। और गन्ने से हम जो पैदावार होगी उससे तो मालामाल होंगे ही। सह फसल जो हमारे पास है, जो अभी हम गेहूँ महंगा बेच रहे हैं या बिक्री कर रहे हैं, ये दालें महंगी बिक्री कर रहे हैं, तो इसको हम सस्ती कैसे करें? गन्ना से हम सह फसल से हम पैदावार लेंगे, पैसा गन्ना से निकालेंगे, एक्स्ट्रा हमको ये जो बेनिफिट होगा उससे हम किसानों को, जो उपभोक्ता हैं लोग, जो शहर के लोग हैं, उनको सस्ता कैसे बिक्री करें, ऐसा हम कर रहे हैं, ऐसा हम करके दिखाएंगे। अगली फसल हम गन्ने की दिखाने वाले हैं, आप गन्ने की फसल देखिएगा। इसके अलावा इन्होंने नीलकंठ आलू लगाए हैं, प्राकृतिक नीलकंठ आलू की विशेषता क्या है और वो वैरायटी कहाँ से ईजाद की गई, कहाँ से बीज मिला और क्या लाभ है उसके, आप उत्पादन कैसा है उसके बारे में जानेंगे। आप वो फसल देखिए, ठीक। और देखिए नीलकंठ आलू का उत्पादन प्राकृतिक खेती द्वारा, क्या शानदार आलू देखिए आप रखा है, क्या विशेषता है इसकी बताएं आप। ये कुपरी नीलकंठ आलू हम फरुखाबाद से लाए थे, ये दूसरी साल है। इसकी विशेषता है ये ऑटोमेटिक शुगर फ्री है अपने में, इसमें शुगर फ्री में डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसका स्वाद इतना बढ़िया है कि हर प्रकार की प्रजाति को टक्कर दे रहा है, और ये शुगर वाले जो पेशेंट हैं उनको खाने में बहुत लाभदायी होगा, ऐसा मेरा मानना है। और इसकी खासियत है कि ये बिल्कुल, ये हाथ से खुदाई कर लो, बिल्कुल ऊपर रहता है। और ये है इनका कुफरी नीलकंठ आलू, देखिए इसकी विशेषता बताएं आप। और देखिए साथ में से जो फसल लगी हुई है, पालक की फसल लगी हुई इनकी, आप देखिए, और इससे भी बीज उत्पादन होगा। ये पका रहे हैं, देखिए फूलने लगा है ये। इसका पालक का दो बार तो हमने साग में प्रयोग कर लिया, उसके बाद हम बीज के लिए पका रहे हैं। जो आने वाले साल में हमें इससे बीज मिलेगा, हम किसानों को सुभाष पालकर प्राकृतिक किसी द्वारा तैयार बीज किसानों को दे सकेंगे। और ये कुपरी नीलकंठ जो मेरे हाथ में आलू लगा है, आप देख रहे हैं ये आलू ऑटोमेटिक पहले से ही अपने में शुगर फ्री है। इसको जो शुगर वाले जो लोग हैं वो भी प्रयोग कर सकते हैं। कितनी जगह में ये आपका कुफरी नीलकंठ आलू लगा हुआ है? ये एक एकड़ से थोड़ा कम है, 3 बीघा आलू है। और इसकी पैदावार कुछ उससे कम रहता है, जो पेस्टिसाइड उससे करते हैं उसका 50 बोरी प्रति बीघा निकलता है, मेरा ये 40 के आसपास निकलता है। और विशेषता ये है उनका आलू, आप इस समय बिक रहा है 300 रुपये आलू जो केमिकल वाला है, और मेरा आलू अभी से एडवांस में 20 रुपये किलो बिक्री के लिए लोग तैयार हैं। आलू कब खुदेगा वर्मा जी, मुझे दीजिएगा, और कई फ़ोन आ रहे हैं। तो मेरा तो जो ये उत्पादन है जो मैं किसान शहर वाले लोगों को अपने खेत पर बुलाता हूँ और पहले फ्री में देता हूँ 1 किलो 500 ग्राम कोई चीज़, उसके बाद उनके रसोई में बनती है, तब इसका जब स्वाद बोलता है तो वहाँ से तुरंत फ़ोन आता है, भाई हमें इतना आलू चाहिए, इतना गेहूँ चाहिए, इतना दलिया चाहिए, इतनी दाल चाहिए। तो मेरा किसानों से यही है, अनुरोध है कि आप पहले ईमानदारी से काम करें और ईमानदारी से तैयार करें, ईमानदारी से बिक्री करें और अपना विश्वास जीतें, तभी हमारी सफलता है। एक बार जो इसकी रोटी खा लेता है वो बार बार फ़ोन करता है, दुर्बीन सिंह हमें आगे 1 कुंतल गेहूँ देना, अब हमारा ख़त्म हो गया, अगला कम मिलेगा। और इस साल तो मेरा गेहूँ पूर्ति नहीं दे पाया और लेने वाले बहुत, गेहूँ कम पड़ गया, इसलिए मैंने 1 एकड़ ये गेहूँ लगा दिया। उसके बाद अन्य किसानों से भी मैंने करीब 20-25 एकड़ गेहूँ लगवाया है, तो इस वक्त हो सकता है कि पूर्ति कर सकूं। और इसका मैंने दलिया भी वैल्यू एडिशन करके दलिया भी बनवा रहा हूं। हम क्यों 40 रुपये किलो गेहूँ बेचें, हम तो बिक्री इसकी 100 रुपये किलो करेंगे, इसका दलिया बनाएंगे, इसका आटा बनाएंगे, आटा हम 60 रुपये किलो देंगे, दलिया 100 रुपये किलो देंगे, तो हम वैल्यू एडिशन, हम प्राकृतिक किसान वैल्यू एडिशन करना सीखें। वैल्यू एडिशन से हमारे जो उत्पाद है उसकी कीमत लगभग 1.5 गुना से दूनी हो जाती है, तो हम पैदा करें तो बढ़िया पैदा करें और उसका वैल्यू एडिशन करना सीखें, उसका रूप परिवर्तन करके हम डायरेक्ट गेहूँ न दें,
कस्टमर को, हम उसका दलिया दें, हम उसका आटा दें, ऐसा मेरा मानना है। ऐसा ही मैं किसानों से कह रहा हूँ, आप वैल्यू एडिशन करना सीखो, आप रूप परिवर्तन करके और अपना माल बेचें, चाहे गन्ना हो, चाहे आलू हो, चाहे मसूर हो, चाहे चना हो। अगर हम वैल्यू एडिशन कर दें यूनी रेट पर, ये सारा सामान बिकेगा और अगर हमारी कम भी पैदावार आएगी कुछ, तब भी हम उससे जो पेस्टिसाइड वाला जो उत्पाद है उससे लगभग डोड़ा रेट हम पैदा कर लेंगे। आपने एक FPO बनाया है जो अब पूरी तरह काम करने लगा है, उसके बारे में आप अपनी जानकारी दीजिए। वो FPO किस नाम से है और उससे जुड़ने के लिए क्या प्रक्रिया है, और वो FPO उसके शेयर के बारे में बताइए, आप लोग उसका कैसे लाभ ले सकते हैं उसके बारे में। हमने अभी अपने नेचुरल फार्मिंग का FPO बनाया है, किसानों का संगठन, किसान उत्पादक संघ, उसका नाम है सराय नेचुरल फार्मिंग प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड। हम लगभग ज़िले के 20 किसान हैं जो सुभाष पालेकर प्राकृतिक खेती कर रहे हैं और वो हमारे इस FPO में शामिल हैं। इसमें हमने 15 सदस्य रखे हैं, वैसे तो 10 होते हैं, परंतु हमने विस्तार में पूरे ज़िले का बनाया है तो हमने 15 डायरेक्टर रखे हैं, और अभी पहले 10 थे, हम विस्तार कर रहे हैं, 5 और जोड़ रहे हैं, और 1000 से 2000 के शेयर होल्डर बना रहे हैं। उसका आधार कार्ड, बैंक पासबुक, फर्द और फोटो ये हम लेते हैं और उसका रजिस्ट्रेशन करके उसको रसीद दे देते हैं। विश्व में एटा बर्ड में एटा फर्स्ट नंबर पर है, बर्ड में सबसे ज़्यादा पैदा हो रही है चकोरी तो एटा। दोस्तों ये कमाल की खेती है, इसका कॉफ़ी पाउडर बनता है जो आप प्रयोग करते हैं शादी के बाद, कॉफ़ी पीते हैं उस पर जो मसाला पड़ता है वो इसी से तैयार होता है। इसका आकार इतना होता है, इसकी ये फसल 6 महीने की फसल है और ये अक्टूबर में बोई जाती है, सितंबर अक्टूबर में, अक्टूबर के बाद ये मार्च अप्रैल में तैयार होती है और 1 एकड़ में लगभग 150 कुंतल से और 200 कुंतल 250 कुंतल तक होती है। मेरी तो 250 कुंतल प्रति एकड़ निकलती है। इसमें दो बार इसकी नराई होती है और इस मूले के आकार की होती है, बहुत लंबी, एक एक चकोरी का ये पौधा, इसमें जो जड़ निकलती है वो 500-600 ग्राम का होता है। ये बम्पर पैदावार देती है और इसका इस समय रेट है, अभी ये पहले से एडवांस इसका रेट मिलता है, इस साल बीज भी फ्री मिला है और 750 रुपया कुंतल ये तय हुआ है, और 750 रुपया कुंतल के बाद एवब हमको वो मिलेगा। ये बिल्कुल पहले से तय फसल होती है, इसका रेट पहले से फिक्स होता है, इसलिए ये चकोरी एक ज़्यादा उत्पादन देने वाली और ज़्यादा पैसा देने वाली फसल हमारे डिस्ट्रिक्ट एटा को एक 4 चांद लगाने वाली है, 4 चांद लगा रही है। इसका विश्व में रिकॉर्ड बन गया, एटा ही सर्वप्रथम स्थान है पूरे विश्व में। दोस्तों इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको कहूँगा फिर दोबारा, आप चकोरी खेती ज़रूर करें, ना जान पाएँ तो मुझसे पूछें। ये 19 नंबर गन्ना है, आप देख रहे हैं एक आँख का लगाता, आप इसमें लगभग 20-22 कर ले हैं इस समय। ये 3रे साल का गन्ना है और अब ये हम पहली साल में ये गन्ना दूसरा लगा रहे हैं, अब इसको इस साल ख़त्म कर देंगे। इसका हम कुल्फी और चटनी इस वर्ष बना रहे हैं और इसका उत्पादन लगभग एक बीघा में लगभग 80-100 कुंतल आता है, और टोटल हम चटनी जो विपिन सरीन जी ने हमें बताया है उसी पद्धति से चटनी और उसकी कुल्फी उसके कई लाख में हो सकता है कीमत, अभी नहीं हम कह पा रहे और हो सकता है कितना पहुँचे। दोस्तों आप ये देख रहे हैं ये पाइप, ये बेंड लगे हुए हैं, ये कोई साधारण काम नहीं है, ये आपने मेरी खेती देखेंगे आगे तो ये ऐसे ही नहीं बन गई। यहाँ पे बिल्कुल खारा पानी है, इसको जानवर नहीं पी सकता, इसको इंसान नहीं पी सकता। ये हम अथक प्रयास से यहाँ से 3 किलोमीटर दूर से अंडरग्राउंड पाइपलाइन डाल के ये पानी हम लगभग 3 गांव को दे रहे हैं। अपनी तो प्रॉफिट हो ही रही है, यहाँ एक फसल भी नहीं होती थी, वहाँ अब 3 से 4 फसलें हो रही हैं। अगर हमें पानी निकालना हो, जैसे ये बंद है, हमने यहाँ पे पानी लेना है तो ये 4 बोल्ट खोलेंगे, ये प्लेट को उठा देंगे तो यहाँ पानी मिलने लगेगा।
ऐसे मेरे खेत पर 2 लान है, ये मैंने 3 किलोमीटर दूर से पाइपलाइन अंडरग्राउंड डलवा के इस पर मैंने 20 लाख रुपया अपना स्वयं का लगाया है, और ये 2 पाइपलाइन मेरे खेत पर खुली हैं। ये लान बिजी हो तो उसको खोल लेता हूँ, 2 लान बिजी हो तो इसको खोल लेता हूँ। वहाँ पर नदी किनारे पर मैंने 2 समरे लगवाई हैं, 20 HP का मेरा कनेक्शन है, और मुख्य बात यह है मैं 2 किलोमीटर से बिजली भी लाया हूँ। ये हमारी सहफसली खेती है, ये पीली सरसों जो अचार के लिए लोग लाते हैं, हम भी लाते हैं, 150 रुपया किलो बाज़ार में मिलती है, परंतु क्यों ना हम सहफसली खेती करें, साइड पे हमें खाने के लिए तेल और अचार के लिए पीली सरसों मिल जाएगी। ऐसे एकड़ से एक एकड़ खेत से हमें लगभग 1.5 से 2 क्विंटल पीली सरसों प्राप्त हो जाएगी, साइड में चकोरी तो पूरी पैदावार देगी। तो दोस्तों सह फसली का जरूर प्रयोग करें, सह फसली खेती करें, ये बोनस फसल हो जाती है हमारी और पैदावार एक्स्ट्रा रहती है। देखिए इनका ये जीवामृत है, जो बस इसी जीवामृत का आशीर्वाद है। सुभाष पालेकर कृषि ने इसके बारे में बताया है विस्तार पूर्वक और इसका लाभ हम लाखों किसान ले रहे हैं। इसी तरह दुर्बीन सिंह जी, देखिए इनका ये जीवामृत है, क्या क्या इसमें डाला है आपने बताया जरा। ये हमने जीवामृत 500 लीटर ड्रम में बनाया है, इसमें 20 लीटर गौमूत्र, 20 किलो देसी गाय का गोबर, 5 किलो गुड़ और 5 किलो दलहनी आटा का दलहनी बेसन इसको हम डालते हैं। थोड़ी सी अब मैं 5-6 साल से ये खेती कर रहा हूँ तो मिट्टी यहीं से ले लेता हूँ, पूरी जीवाणुयुक्त मिट्टी है, मिट्टी कहीं से नहीं लानी पड़ती। और इस तरह ये जीवामृत गर्मियों में 7 दिन में और सर्दियों में ये 15 दिन भर के तैयार हो जाता है। इससे हम पानी के साथ भी बहाते हैं, ये हम ऐसे जब बहाना होता है तो थोड़ा ये इसको खोल देते हैं, ऐसे करके जितना बहाना हो उतनी ही चुकटी खोलेंगे, जैसे कम खोल लें तो ऐसा चलता है। इस तरह से हम पानी में बहा भी सकते हैं। और स्प्रे करने के लिए हमारी ये ट्रैक्टर वाली मशीन है, ये सामने आप देख रहे हैं, इससे हम स्प्रे करते हैं। ये जो हमारी मशीन है इससे हम इसमें 70-80 लीटर जीवामृत डाल के और ट्रैक्टर से चलाते हैं। यहीं से एक जगह से 1 हेक्टेयर खेत में 2 घंटे में हम इसका पूरा जीवामृत स्प्रे कर देते हैं। और इसी से हम स्प्रे करते हैं, इसी से हम खट्टी छाछ का स्प्रे करते हैं छान के। ये हमें बहुत सुगमता हो रही है कि ट्रैक्टर से हम बहुत कम समय में और बार बार स्प्रे कर सकते हैं। और ये आप देख रहे हैं, ये हमारा FPO का नाम है, हमारी ट्राली है, इस पर सराय नेचुरल फार्मिंग। मैं यहाँ इनकी कुछ मशीनें देख पा रहा हूँ और इन्होंने ये मशीनें सरकारी लाभ से ली हैं, सरकार का सब्सिडी का जो अनुदान इन्होंने लिया है, इसकी क्या प्रक्रिया है, किसान किस तरह इसका लाभ ले सकता है वो आप ज़रूर बताएं। देखिए इनके पास मैं परिचय कराऊंगा इनकी मशीनरी का, तो आप बताएं सबसे पहले क्या है ये मल्चर है, ये फसल अवशेष को जैसे हमारा धान कटने के बाद जो अवशेष रह जाता है उसे बिल्कुल उसका थ्रेसिंग करके बिल्कुल पीछे से पाटा लगा देता है। उसके बाद हम जीवामृत और गंजीवामृत डाल के पलट देते हैं खेत में। अन्य मशीनों से रोटावेटर है, हैरो है, ये तो ये खाद में बदल जाता है, कार्बन हमें खेत से मिल जाता है और लोग आग लगा देते हैं, इसका ये विकल्प है। दूसरा ये हमारा दूसरा आइटम ये है हैरो, आपने हैरो ये देखा होगा, फील्ड किंग कंपनी का है, बिल्कुल लेटेस्ट वैरायटी है। ऐसा तो आपने हैरो पंजाब में देखा होगा, हरियाणा में देखा होगा, मैं ये डिस्ट्रिक्ट हमें ये ले के मेला पैरा या दूसरा हैरो होगा जिला में। ये इसकी विशेषता है, ये जो किनारे पे है बिल्कुल मेड़ के सारे कतई जगह नहीं छोड़ता, न मेड़ कटती है इससे, वो बिल्कुल साइड पे चलता है और बड़ा मस्त चलता है। तीसरी चीज ये दूसरा है, तीसरा है रोटावेटर, इसके बाद ये है सीड ड्रिल, इसके बाद है ये मोटबोट प्लाऊ। इसका हम प्रयोग करते हैं जैसे ये केमिकल वाली लोग खेती कर रहे हैं, वो बार बार केमिकल लग के इतनी साल हो गई, 10-20-50 साल तो नीचे खेती बिल्कुल ठोस हो गई है, उसको कैसे उसको रूप परिवर्तित किया जाए, कैसे पोला किया जाए, इसलिए मोटबोट प्लाऊ ये सरकार दे रही है। ट्राली पर भी
जय गौ माता लिखवाया है और प्राकृतिक कृषि फार्म, ये देखिए इसका प्रचार प्रसार ये अपनी ट्राली के द्वारा करते हैं। ये जो सारा आपने मशीनरी का अपना कलेक्शन दिखाया, ये इसका आपने कैसे ले पाए आप? इसमें ट्रैक्टर भी है और इतनी मशीनरी है, इसका लाभ किसान किस तरह ले सकते हैं? किसान भाइयों, मैं आपको बताऊंगा कि जैसे हम खेती पर नज़र रखते हैं कि खेती में हमें कैसे लाभ हो, वैसे हमें सरकार की योजनाओं पर भी नज़र रखनी है और कैसे हमें ये योजना लेनी है। सरकार तो दे ही रही है, परंतु लेने वाला भी तो होना चाहिए। लेने वाला तभी मिलेगा जब आप प्रगतिशील किसान होंगे, आप विभाग में जाएंगे, आप कृषि विभाग की जानकारी रखेंगे। मैं दोस्तों 2004 में से किसान मित्र रहा हूँ, उसी की देन है जो मैं इस पटल पर आ पाया हूँ। और माननीय आदरणीय गुरुजी सुभाष पालेकर जी से जब मेरी भेंट हुई 6 साल पहले, तो उन्होंने मुझे खेती करना सिखाया कि आप विषमुक्त खेती कीजिए। उसके बाद अभी हमको गुरु मिले हैं दूसरे, हम कैसे वैल्यू एडिशन करें, उसके लिए विपिन सरीन जी जो अम्बाला के हैं उनसे हम बहुत कुछ सीख रहे हैं। और बहुत जो सुभाष पालकर जी हमारे गुरु जी जो बता रहे हैं इस तरह से खेती करके, वो भी हमारे गुरु हैं और वो हमें बता रहे हैं कि वैल्यू एडिशन करके हम कैसे अपनी फसल का दूना उत्पादन, दूनी वैल्यू एडिशन करें, दूना मूल्य ले सकें। तो हम बार बार लोगों से यही कह रहे हैं, आप उस ग्रुप में जुड़िए, हमारे साथ आइए और ये वैल्यू एडिशन करना आप सीखिए, कैसे चटनी बने, कैसे गन्ने की कुल्फी बने, कैसे हमारा जो अन्य प्रोडक्ट है कैसे मद्दा हो। क्या आप किसी को अगर ट्रेनिंग कोई चाहे, प्रशिक्षण चाहे इन सब चीज़ों को किस तरह बनाएं, तो आप किस तरह मदद करते हैं उनकी? जैसे मान के चलिए मैं भी गन्ना उगाता हूँ, मैं भी किसान हूँ, तो मैं आपसे किस तरह सीख सकता हूँ, किस तरह लाभ ले सकता हूँ? या कोई और आपसे सीखना चाहे, आपकी वीडियो देखकर उनको प्रेरणा जागे कि मैं ये काम कर सकूँ, मेरे यहाँ तो गन्ना है, तो आपसे वो किस तरह सीख सकते हैं, कैसे लाभ ले सकते हैं बताइए। मैं तो अब तक यूट्यूब के माध्यम से अपनी जो खेती की दिनचर्या है वो दिखाता रहता हूँ। उसके बाद अगर कोई सीखना चाहे तो मेरा फ़ोन नंबर है ही, पूरी जानकारी निःशुल्क देता हूँ, मुझे कोई पैसा नहीं चाहिए। अगर मेरे गुरु ने मुझसे नहीं पैसा लिया तो मेरा हक क्या बनता है? विपिन सरी जी ये वो बिल्कुल फ्री में ऑनलाइन समझा रहे हैं, बिल्कुल कोई निःशुल्क पैसे के समझा रहे हैं, तो मेरा क्या दायित्व है कभी पैसे से समझाऊँ किसी को? मेरे घर पर आए लोग, कैसे सीखे, कैसे चटनी बनती है, कैसे कुल्फी बनती है और कैसे हम ये सारी मशीनरी कहाँ से मिलती है, ये हम विस्तार में कोई सीखना चाहे तो हमसे फ़ोन नंबर पर पूछे कैसे क्या है। हमने एपीओ भी बनाया इस मशीनरी पे, जो आपने ये सारी चीज़ें ली जिनमें ट्रैक्टर भी शामिल है, इतनी सारी मशीनरी है, इस पे आपने कितने प्रतिशत लाभ लिया है सरकारी? इस पे 80% लाभ था, पहले हमने ये समूह में लिया था, अब समूह से हट गया है, अब एपीओ पे कर दिया, तो हमने एपीओ भी बना लिया है, परंतु एपीओ से ये आइटम हमने नहीं लिए क्योंकि ये आइटम तो हमारे ऑटोमेटिक हैं, तो हम आगे काम करेंगे एपीओ पे। हमारा नेचुरल जो फार्मिंग प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड बनाया है, ये इनकी एक बगीची है जिसमें देखिए गुलाब खिल रहा है, देसी गुलाब, देखिए गुलाब का पौधा है, इस पर फूल आना, ये कली बन गई है, देख रहे हैं आप। और क्या क्या है इसमें ज़रा बताएं आप, ये बेर का पेड़ है। इसमें 25 प्रकार के पौधे हैं। हमें जब दसवण यर्क बनाना होता है तो हम कहीं नहीं जाना पड़ता। मैं किसान भाइयों से कहूँगा कि हमें दसवण यर्क के लिए न जाना पड़ेगा, इसलिए हम एक बीघा, अगर हमारा एक हेक्टेयर का खेत है, 2 हेक्टेयर का खेत है, तो एक बीघा हमको ये बागवानी भी करनी है। इसको हमें फलदार वृक्ष लगाएं और वो कीटनाशक वाले जैसे आमला है और आपका बेल है, ये सारी प्रजातियां हैं। ये अमरूद है, बेल है, शहतूत है, ये क्या है इसका? ये किन्नू है। किन्नू आते हैं इसमें? हाँ, किन्नू आते हैं। ये बेल है, इधर देखो, इधर लगाना। ये 2 पेड़ सेब के हैं, अभी 34 साल के सेब हैं ये। इस वर्ष मुझे अंदा आया है कि शायद सेब आने लगे। ये सेब के पौधे देखिए, बहुत बढ़िया। और मैं दिखाऊं, ये सीडलेस नींबू इनका, ये फूल आने वाला है, हाय खुशबू बड़ा जोरदार है, ये शतावरी है। शतावरी का बीज भी हम तैयार कर रहे हैं, देख रहे हैं आप, ये शतावरी का बीज तैयार हो रहा है, ये अप्रैल में तैयार हो जाएगा, ये इस पर बीज हम तैयार करते हैं। और ये इस पर ये पौधगी लगा रखी है हमने। तो ये कपूर का पेड़ है, कैम्फर। हाँ, ये कपूर का पेड़ है, ये हींग का पेड़ है,
ये मोरिंगा है, ये दो फसलें आती हैं, इसकी जड़ से लेकर और फली फूल फल सारे प्रयोग होते हैं। ये देखिए आप, ये बादाम है और ये है गुलाब। वाह, बताओ साहब। ये बादाम है, इसका फूल भी आने लगा है, तीसरी बरसात। ये चीकू है, चीकू है, इसका चीकू तो लगे हुए हैं। ये देखिए और भी पौधे, इनके पास गुड़ैल है, ये महुआ है, महुआ की प्रजाति विलुप्त होने वाली है, आजकल के बच्चे महुआ नहीं जानते क्या होता है। बहुत बढ़िया, ये चकोतरा है, बहुत सही। ये तीन पेड़ आंवला के हैं, इधर ये आंवला भी है और ये सीताफल है, वो शरीफा, सीताफल शरीफा। और ये सिंदूर है, प्राकृतिक सिंदूर, प्राकृतिक सिंदूर, प्राकृतिक सिंदूर। ये आप इसका फल तोड़ेंगे जी, इसको इसमें ये निकालेंगे और एक दाना लेंगे और इसको मसलेंगे। देखो दोस्तों, ये बिल्कुल नेचुरल नेचुरल सिंदूर है, सिंदूर का पौधा। वाह, इसको ये मांग भरें महिलाएं और चाहे तिलक लगाएं हमारे आचार्य, कुछ भी करें, ये नेचुरल सिंदूर मेरी बगिया में है। और वाह, उधर ये खिन्नी है, खिन्नी का पौधा है, बहुत खूबसूरत। और ये हमारी गौ माता है, ये हमने देसी गाय से और ये साहीवाल तैयार कर दी है। ये साहीवाल है और साहीवाल से अब हमने ये काम किया थारपारकर। ये बच्चिया हमारी थारपारकर है और अब जो हमारी अभी ये पिछली वाली गाय साहीवाल पे हमने क्रॉस करा के ये हमारे आपकी गिरी गाय तैयार की है। दोस्तों, एक देसी गाय से हमने साहीवाल तैयार की। ये कैसे तैयार की? ये क्रॉस ब्रीड करा के, जैसे हमने बैब बालों से ये गाय पर सीमेंट डलवाया थारपारकर का, वो थारपारकर तैयार हो गई। फिर हमने सीमेंट डलवाया इस पर गिरी का, तो ये गिरी 100% गिरी नहीं है, आने वाली इसकी 3 संतति पे हम 3 साल काम करेंगे इसके ब्याने तक, तो ये हमको यहीं गिरी तैयार हो जाएगी, हमें कहीं लाखों रुपए की गिरी लाने की ज़रूरत है। ऐसा मेरा किसानों से अनुरोध है कि जो गाय छूटी घूम रही हैं उन्हें हम बांध के और बढ़िया नस्ल के सांडों से क्रॉस करा के या उसमें गौ संवर्धन करके वो करा के और इसको ब्रीड बदलें। उसके बाद हमने 60 डिग्री टेम्परेचर पर इसको गर्म किया। गर्म करने के बाद इसको हमने ईस्ट डाल के और 1 महीने के लिए रख दिया। उसके बाद छान के और एसी ड्रम में एक दूसरे में बदल दिया। उसके बाद हमने जो पुराना सरका था, मदर सरका, उसको 10-10 लीटर सब ड्रमों में डाल दिया और 1-1 किलो लोहे के कीले, इस पर जंग ना हो, बिना जंग का लोहे के टुकड़े इसमें डाल दिए। फिर ये 8-9 महीने बन के तैयार हो गया, मतलब 1 साल की प्रक्रिया लगती है। पिछली साल हमने बनाया था, अब ये बन के तैयार है, बिल्कुल रेडी, बिक भी रहा है हमारा बाज़ार में। 70 रुपया लीटर हम थोक में देते हैं और पैकिंग करके हम 50 रुपये की 380 ml की बोतल दे रहे हैं। ये FPO के उस पर ये फसाई का लाइसेंस हमने ले रखा है, FSSAI का, और उससे ही हम ये वैल्यू एडिशन करके और ये बिक्री कर रहे हैं। ये हमारा गन्ने का उत्पाद पहला, दूसरा ये हमारी गन्ना इमली चटनी है। ये हमने विपिन सरीन अम्बाला के जो हैं हमारे किसान भाई, वो हमें ऑनलाइन हम किसानों को सिखा रहे हैं कि हमने गन्ने का जो प्राकृतिक गन्ना है, जो हम प्राकृतिक तरीके से गन्ना पैदा कर रहे हैं, उसका वैल्यू एडिशन करके ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाएं, तो हम सिरका बनाएं, हम गन्ना इमली चटनी बनाएं। ये हमारी 1000 रुपये किलो बिकने के लिए तैयार है, बिक भी रही है।
ये हमारा सामने देख रहे हैं, ये गौमूत्र है जो हम उस गाय का, जो गाय सामने बंधती हैं उनका गौमूत्र कलेक्शन करके इन ड्रमों में भर लेते हैं। और ये देख रहे हैं आप, ये हमारा दसपणी अरक है, ये देसी कद्दू है, ये हमने वो खेत पर लगाया था देसी कद्दू है और यहाँ रख दिया है। और ये हमारा ब्रह्मास्त्र है, ये ब्रह्मास्त्र है। वैसे तो कीट पतंग आता नहीं प्राकृतिक खेती में, आ भी आता है तो पहले हम नीमास्त्र से भगाते हैं, उसके बाद नहीं हटता है तो फिर ब्रह्मास्त्र है। और सबका सूत्र है ये लास्ट में, ये सब रोगों की मर्ज है दसपणी अर्क। इसको एक टंकी में 15 लीटर में और 600 ml डाल के स्प्रे कर दो, सारे कीट पतंग भाग जाएंगे, कोई नहीं रुकने वाला है। ये गौमूत्र है, इसको कलेक्शन करने की कुंडी है, इसमें गाय बनती है और गाय यहाँ पर जब पेशाब करती है तो इसमें इकट्ठा हो जाता है, इससे हम भर के उसमें ड्रम में रख देते हैं। और दोस्तों, किसान है इंजीनियर नहीं होता, परंतु पढ़ लिखने के बाद पढ़ा लिखा किसान होना बहुत ज़रूरी है। किसान भी हो पढ़ा लिखा हो तो फिर 4 चांद लग जाते हैं। बिना पढ़ा हुआ खेती तो कर सकता है, परंतु पढ़ा हुआ खेती भी कर सकता है और आपका ये मैनेजमेंट भी कर सकता है कैसे हम वो लगाएं। तो मैंने ये एक इंजन से आप देख रहे हैं 15 फीट की जगह में, ये मेरी चक्की है, इस पर आटा दलिया सब बनाता हूँ। ये मेरा अल्टरनेटर है, ये लगा, इससे लगा के 600 ग्राम डीजल खाता है इंजन, इससे बिजली बना लेते हैं। इस पर बेल्ट लगाओ, चढ़ाओ इस पर, चला लो। इसी इंजन से हम कुटी भी कर लेते हैं 15 फीट जगह में। और सेटिंग देखिए आप, ये कोई किसी इंजीनियर ने नहीं पढ़ाई, मैंने खुद अपने हाथ से ये तैयार किया है। मित्रों, मेरे यहाँ मैंने बताया था खारी पानी है, यहाँ बिल्कुल पूरी बेल्ट है, यहाँ 20 गांव खारे पानी के हैं। तो मैं यहाँ से 3 किलोमीटर दूर से खेत के लिए पानी ले जाता हूँ, 2 पाइपलाइन खेती के लिए बिछा रखी है 5 इंची 6 इंची, और वहीं से 1.5 इंची पाइपलाइन ये पीने के लिए लाया हूँ घर के लिए। और गाँव में 2-3 जगह मैंने खोल दी है, एक इंटर कॉलेज को ये फ्री सेवा है, और जो खेती वाला है पाइपलाइन उसका पैसा लेता हूँ। इसके बाद ये मैंने जानवरों के लिए, गर्मियों में गर्म ना पानी हो जाए इसके लिए मैंने 10 फीट का ये टैंक बनवा दिया अंदर। इसको हम इसमें पानी चला के इससे स्टोर कर लेते हैं, यहाँ से इसमें डाल के, ये सॉकेट लगा हुआ, उसके बाद हम ज़रूरत हो तो गर्मियों में इसे चलाते हैं तो हमें ठंडा पानी मिलता है और जाड़ों में हमें गर्म पानी मिलता है, जो जानवरों के लिए बिल्कुल आरामदायक होता है। दोस्तों, अपने ही खेत की, अपने ही खेत का गेहूं, अपने ही खेत के आलू, अपने ही गाय का दूध, सारी चीज़ें अपने ही खेत की और अपने ही FPO से, ये इन्होंने जो उत्पाद अपने खेत के तैयार किए हैं देखिए। और ये जो चटनी है, ये देखिए चटनी, ये है, ये आप देख रहे प्लेट, इतनी बेहद स्वादिष्ट है ये, बेहद स्वादिष्ट का मतलब इसको कोई भी फेल नहीं कर सकता है, ये बहुत खट्टा मीठा और मसाले, क्या कॉम्बिनेशन है, शानदार। और दोस्तों, ये अचार है, ये मूली का अचार जो बाज़ार में अब 2 रुपये किलो कोई नहीं ले रहा, अब 200 रुपये का ये अचार बन के तैयार हो गया। ये नींबू है, ये सीडलेस नींबू का अचार है, ये आमले का अचार है, ये बन चुका है तैयार है बिल्कुल खाने के लिए। और 10 रुपये के आमले के अचार को, 20 रुपये किलो के आमले को अचार को हम 200 रुपये किलो में बिक्री करते हैं। ये मुरब्बा है, ये शहद में बना हुआ है, आंवले का मुरब्बा, ये शहद में मुरब्बा बना हुआ है जी, हाँ हाँ हाँ, देखिए इसका स्वाद बताते हैं आप। अरे वाह, इसका तो अलग ही फ्लेवर है कुछ, शहद आए है लाजवाब। एक बाइट आंवले के अचार के साथ, लहसुन भी है, लहसुन इसमें, लहसुन वाला भी है, हल्दी लहसुन इसमें, लहसुन का फ्लेवर है, बहुत बढ़िया, बिना लहसुन वाला भी बनाया। और इस चटनी का तो क्या कहने जी, ये इस तरह का कॉम्बिनेशन लाजवाब सा।
चवनप्राश जैसा स्वाद आ रहा है इसमें। हाँ बता कागा पसारे डरे हैं चटनी इसमें। हमने 7 किलो गन्ने के रस में 1 किलो इमली, इमली का पल्प बना के डालते हैं और 15 तरह के मसाले जैसे जीरा है, हींग है, सौंफ है, सौंठ है और सभी गर्म मसाले 4-5 तरह के जैसे लौंग है और बड़े ढोड़ा है, इलायची है और आपका जीरा साबुत और पिसा दोनों तरह के डालते हैं। लाल मिर्च भी है थोड़ी। कितनी देर में तैयार हो जाती है ये? लगभग 5-6 घंटे लगते हैं इसे बनाने में। यहाँ पर ट्यूबवेल लगाना कोई आसान काम नहीं था। ये यहाँ पर आसपास कोई बिजली नहीं थी। यहाँ हम 2 किलोमीटर से दूर से ये विद्युत पोल लगा के 33 पोल लगा के ये बिजली यहाँ पे लाए हैं। अब यहाँ पर लगभग इस लाट पर 10 ट्यूबवेल लग चुके हैं। खर्चा मेरा ही हुआ 5 लाख रुपया यहाँ लाने में। ये हमारी पानी की व्यवस्था है। एक बार में 2 पंपें चलती हैं। जब नदी में पानी ख़त्म हो जाता है तो हमने यहाँ पे 2 सवरें लगा रखी हैं। एक देख रहे हैं सामने कोने में और एक बाहर। ये हमारा 20 SHP का कनेक्शन है और ये सामने हमने 3 पाइपलाइनें डाल रखी हैं, 1 सिंचाई के लिए और 1 पीने के लिए। गांव में 3 जगह हमने खोल दिया और 1 इंटर कॉलेज को दे रहे हैं पानी निःशुल्क और बाकी हम 3 गांव के किसानों को पानी 90 से 100 किसान इससे लाभान्वित हो रहे हैं। ये ईशन नदी है आप देख रहे हैं। इसमें से हमने इसके अंदर कुंडी बनाई है, 3 तरफ से जाली है, उसमें छन के पानी आता है और ये सामने ट्यूबवेल है। इसमें ये बाहर ये पटिया रखी है, इसमें कुआ है, इसमें पानी गिरता है। 15 फीट गहरा कुआ है, इसमें नदी से पानी आके इसमें गिरता है। इसमें हॉस्पैक द्वारा ये पंपों से हमने जोड़ दिया है और ये सीधा ये देख रहे हैं आप, ये पंप नीचे ये कुआ से आया हुआ पाइप है। एक ये पाइप दोनों पंप है, इस कुएं से पानी खींचती है और सीधा डिलीवरी से ये लान में जोड़ देते। ये देख रहे हैं सीधा ये डिलीवरी से लान में जोड़ देते। ये 3 किलोमीटर तक पानी हम किसानों को दे रहे हैं।